हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करने वाले हैं BA LLB थर्ड सेमेस्टर में जो एक पेपर है लीगल हिस्ट्री, ठीक है, उसके बारे में कि लीगल हिस्ट्री क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ जो लीगल हिस्ट्री है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लीगल हिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि हिस्ट्री तो है। आपने पहले अपने सेमेस्टर में एज वेल एज दूसरे सेमेस्टर में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री सेकंड, और ये है हिस्ट्री थर्ड। लेकिन कौन सा इसके हिस्ट्री के नाम के आगे क्या लग गया, लीगल हिस्ट्री। मतलब जो भी आप जानते हो कि आप लॉ के कोर्सेज में अब एनरोल हो चुके हो, लॉ के स्टूडेंट हो, तो लीगल हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो हम लीगल सिस्टम अभी का पढ़ रहे हैं इसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो हिस्ट्री की हालांकि जो हिस्ट्री है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई उसके अराइवल के बाद बहुत सारे चार्टर्स आए। उसमें एक चार्टर था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। तो वहां से हम लोग जानते हैं कि ये कोर्ट वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद ही ये कोर्ट वाला सिस्टम शुरू हुआ है, क्या ये न्याय प्रणाली शुरू हुई है, क्या इसके पहले जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन थे या फिर मौर्य काल था या फिर मुगल्स का काल था, क्या इसमें कोई न्याय प्रणाली नहीं थी, क्या इसमें कोई जस्टिस जो जुडिशियल सिस्टम है वो वर्क नहीं करता था। तो ऐसा नहीं है। पहले के समय में यानी एंशियंट मिडाइवल की अगर बात कर ले हिस्ट्री में, तो उस समय भी न्याय प्रणाली हुआ करता था, और वहां भी जो सामने वाला अगर गलत करता था या फिर कोई भी जो नागरिक था वो गलत करता था उसको उसके गलत काम के लिए पनिशमेंट दिया जाता था एज वेल एज फाइन भी दिया जाता था। लेकिन ये सारी चीजें क्या होती थी, हर जगह अलग अलग होती थी, कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वो नहीं था। कहीं पे किसी भी चीज के लिए मर्डर की सजा मर्डर थी, ठीक है, अगर आपने किसी का हाथ पैर तोड़ दिया तो उसके लिए आपका भी हाथ पैर तोड़ दिया जाता था। यानी रेटेलिएशन एक कहते हैं बदले की भावना वाला जो चीज था, जो पनिशमेंट था वो मोस्टली दिया जाता था। इवन जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो जानवर्स को भी दी जाती थी। तो जो एनिमल्स होते थे वो भी अगर आपको बाइट कर लेते थे तो उनको भी उसी तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता था, और सेम बदला वाला टेंडेंसी के साथ ही उनको भी पनिशमेंट दिया जाता था। तो ऐसे सारी चीजें जो है वो चलती थी हमारे यहाँ जो एंशियंट और मिडाइवल समय था उस समय। लेकिन आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स का जब अराइवल होता है 1600 में, तो वो लोग किस टेंडेंसी के साथ यहाँ इंडिया आते हैं, या फिर जो है इंडिया, अफ्रीका या अमेरिका जाते हैं किस टेंडेंसी से जाते हैं, तो वो जाते हैं ट्रेडिंग पर्पस से, व्यापार करने के एम से जो है या उद्देश्य से वो लोग जाते हैं, और वहां पे धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही सारी चीज जो है वो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ, तो देखिए यहाँ पे आपके हेडिंग भी दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहीं से हम लोग को जो है लीगल हिस्ट्री अपनी पढ़नी स्टार्ट करनी है कि कैसे कैसे जो है ये लीगल सिस्टम जो अभी का चल रहा है हमारे यहाँ, उसका जो एक हिस्ट्री है वो कहाँ से लिया गया है या किस पे बेस्ड है उसका सिस्टम, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री जाने। अगर हिस्ट्री हम नहीं जानेंगे तो आगे जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें क्या क्या दिक्कत होने वाला है ये हम अनुमान जो है वो नहीं लगा पाएंगे। तो हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आगे जो पीछे गलती रिपीट हो चुकी है या जो पीछे खामियां रह चुकी हैं उसको हम लोग दोबारा रिपीट ना करें, उसको और कैसे जो कमियां रह गई थी जिसके वजह से बहुत सारी चीजें नहीं सुधर पाई थी उसको और क्या करके हम आगे सुधार सकते हैं, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ने का इम्पोर्टेंस हमको समझ में आता है। ठीक है, तो लीगल हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, लीगल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि द फर्स्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ ऑन 31 दिसंबर 1600। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यह जानो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये ईस्ट में व्यापार करने आए थे। अब ये वेस्ट कंट्रीज से आए थे, किस कंपनी किस कंट्रीज में, ईस्ट कंपनीज में, तो ईस्ट वाले एरियाज में, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट वाले जो भी देश थे यहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग करने आए थे, और वो कंपनी जो ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेडिंग करने आई थी उसका नाम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखा गया। तो जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुआ, बना कहाँ पे, इंग्लैंड में, और एक चार्टर ग्रांट किया गया इनको, किसके द्वारा, जो वहां की महारानी थी उस समय, तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 31 यानी 31 दिसंबर 1600 में ये चार्टर ग्रांट किया गया एलिजाबेथ जी के द्वारा कि जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको एक चार्टर दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है कि आप जाकर के क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो ईस्टर्न कंट्रीज में। द कंपनी वॉज गिवन एन एग्जीक्यूटिव ट्रेडिंग राइट इन एशिया, एशिया में, पूरे एशिया में, इंक्लूडिंग कहाँ कहाँ पे, इंडिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, मतलब एशिया में तो उनको व्यापार करने के लिए दिया गया परमिशन, और इंक्लूड उसमें क्या आ रहा था, इंडिया भी, अफ्रीका भी और अमेरिका भी, इन जगह पे इनको वो एक्सक्लूसिव जो है वो राइट मिल गया कि जाइए आप यहाँ पे आराम से जो है, आपके अलावा कोई भी कंपनी का जो ग्रुप है या कंपनी का एसोसिएशन है, संस्था है, वो नहीं जाएगा वहां पे व्यापार करने, आपको पूरी तरह से ये राइट है कि आप जाइए जो भी एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका, यहाँ पे आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द ट्रेडिंग एरियाज सो डिफाइंड कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूरोप, मतलब ये जो ट्रेडिंग एरिया था जहां पे व्यापार कर सकते थे, ये ऑलमोस्ट जितने भी क्षेत्र थे ये सबको कवर करते थे, सिर्फ यूरोप को छोड़ करके। No other British subject could trade in this area without obtaining the license from the company. अब यार देखो, East India Company को chartered मिल गया था, अब इसके अलावा कोई भी और company को या फिर कोई भी ऐसे group of peoples को ये allow नहीं करा गया था without license कि वो जा करके इन जगह पे trade कर सके। The charter was granted for 14 years. जो charter दिया गया था Queen Elizabeth के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में, वो कितने साल के लिए था, वो था 14 साल के लिए, एंड इट कुड बी रिवॉर्ड फॉर अनदर 15 इयर्स ओनली इफ डिड नॉट प्रेजुडाइसली अफेक्ट द क्राउन एंड इट्स पीपल। और 14 साल के लिए तो शुरू में दे दिया गया था, बाद में इसको 15 साल तक के लिए और बढ़ाया जा सकता था परमिशन और लाइसेंस, अगर ये जो कंपनी के लोग थे ये अगर क्राउन को कहीं से बाधा, मतलब कहीं से परेशान नहीं करते थे या फिर इनके बातें को मानने से डिनाई नहीं करते, तो इनको और आगे 15 साल के लिए परमिशन दे दिया जाता ट्रेड करने के लिए। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कंपनी वॉज मैनेज्ड बाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी जो थी वो किसके द्वारा मैनेज करी जाती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पर्टिकुलरली, हम उसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो वो कंपनी किसके द्वारा मैनेज की जाती थी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, क्योंकि आप जानते हो कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं और उन्हीं के द्वारा मोस्टली जो है मैनेजमेंट का काम जो है वो देखा जाता है। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग कॉल द कोर्ट इलेक्टेड एनुअली अ गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे देखो, मीटिंग जो थी वो होती थी जनरल मीटिंग, जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसमें मीटिंग का जो तरीका है या मीटिंग का क्या क्या नाम होता है, एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल ये जानिए एक जनरल मीटिंग रखी जाती थी, उसको कोर्ट बोलते थे, द कोर्ट बोलते थे, उसमें चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था साल में, ठीक है ना, साल में, एनुअली, हर साल, मतलब साल साल भर में गवर्नर को, कंपनी के गवर्नर को, और उसके साथ ही 24 मेंबर्स भी इलेक्ट किए जाते थे, चूज किए जाते थे, क्या करने के लिए, टू लुक एंड आफ्टर मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की देखरेख करने के लिए,
देख रेख करने के लिए, मतलब उसको अच्छे से चलाने के लिए, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स की साल दर साल जो है वो इलेक्टेड उनको किया जाता था, उनकी नियुक्ति की जाती थी, ठीक है ना। आई होप ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं, चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा नया सब्जेक्ट जो होता है उसको समझने में टाइम तो लगता है। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये जो हमारी क्लासेस हैं ये सारथी बैच में चल रही हैं। सारथी बैच में आपको हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको कंटेंट मिल जाएगा लिखा हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। एक्सप्लेन तो मोस्टली आपको हिंदी में ही किया जाता है, हालांकि जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से इंग्लिश के यूज किए जाते हैं जो कि होने भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ऐसी क्लासेस हमारे टारगेट गुरुकुल जो ऐप है उसमें सारथी बैच है वो क्लासेस बहुत सारी आपको देखने को वहां ऐसी मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट जो बात करता है ये क्या कह रहा है कि इन अर्ली डेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट अ हाई ऑर्डर। अब पहले के समय में क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस था सेटलमेंट, मान लो देखो कोई भी जब कंपनी स्टार्ट किया जाता है या फिर कोई भी अगर व्यापार करने आता है तो उसको बहुत सारे जो है परमिशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैटर है या फिर विवाद हो गया कोई कंपनी में किसी के साथ तो उसको सुलझाने का भी काम किया जाता है, तो कंपनी का काम बहुत बड़ा हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का जो था शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम कुछ सही नहीं था, हाई नहीं था, बहुत हाई ऑर्डर का नहीं था, अच्छे से जो है चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। देयर वॉज नो सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर कोई मैटर हो जाता था, कोई बात हो जाती थी, ऐसी डिस्प्यूट अराइज हो जाता था तो उनको जो सॉल्व करने के लिए लोग होते थे, रिजॉल्व करने के लिए जो लोग होते थे वो सेम ही होते थे जो कार्य कर रहे हैं, मतलब मान लो जो गलत काम किया वही लोग ही आपस में अपना जजमेंट जो है वो दिए जा रहे हैं, कोई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बंटवारा ही नहीं था। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया में क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, चेक एंड बैलेंसेस का काम जो है वो करती हैं। अगर एक गलत जा रहा है तो दूसरा उसको देखेगा, अगर एक गलत कर दिया तो दूसरा उसमें चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने का जो है वो काम करता है। लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा कुछ था ही नहीं, यहाँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब एक ही थे, यानी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम बिल्कुल खराब था, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, द जुडिशरी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जजेस वर नॉट अ लॉ एक्सपर्ट। अब यहाँ देखो कोई भी गलत काम अगर कंपनी में हो गया, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो गया तो एग्जीक्यूटिव ही जो थे उन्हीं को जज के रूप में रख दिया जाता था कि देखे भाई ये चीज हो गई है आप इसमें फैसला दो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कुछ था ही नहीं अलग अलग, सब एक ही आदमी देख रहे थे, सब एक ही तरह के लोग जो है वो मैनेज कर रहे थे। और जो एग्जीक्यूटिव वाले लोग थे जो कंपनी को चला रहे थे वो लॉ में एक्सपर्ट न होने के वजह से सही फैसला या अच्छे से जो जस्टिस है वो दे नहीं पाते थे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते। द कंपनी गेव लेसर इंपॉर्टेंस टू द जुडिशियल इंडिपेंडेंस फेयर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। क्या कह रहा है, जो कंपनी कंपनी गेव लेसर इंपॉर्टेंस टू द जुडिशियल इंडिपेंडेंस फेयर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, मतलब कंपनी चाहती ही नहीं थी कि जो जस्टिस सिस्टम है वो अच्छा हो सके, उनको रूल ऑफ लॉ से कुछ लेना देना ही नहीं था, उनको फेयर जस्टिस से कुछ लेना देना ही नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे कि वो, मतलब लेसर इंपॉर्टेंस एक होता है ना, सबसे कम ध्यान देने वाला जो उनका क्षेत्र था वो था न्याय, ठीक है, ये न्याय पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोर्ट्स एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड में डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स निकल के आने लगे, बहुत जरूरत इन लोग को दिखने लगी, क्योंकि इन्होंने अब तक जो है वो लेसर ध्यान दिया था,
जुडिशरी पे, अब धीरे धीरे जुडिशरी की इम्पोर्टेंस इन लोग को भी समझ में आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ हमारे यहाँ कुछ न्याय प्रणाली अच्छी होनी चाहिए। अब इसी के डेवलपमेंट में कि कैसे कैसे न्याय प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है वो इवॉल्व करी गई, वो हमको अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना है। तो पहला जो चार्टर आया, ठीक है, अब चार्टर क्यों आता था भाई, ये भी जान लीजिए। कंपनी द्वारा जो चार्टर लाए जाते थे वो इसलिए लाए जाते थे, या फिर अब यहाँ देखो पहले समझ लो उसके बाद, चार्टर 1661 का क्या कहता है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्यों चार्टर लाए जाते थे। द चार्टर इशू ऑन 3 अप्रैल 1661 बाई चार्ल्स द्वितीय, यानी चार्ल्स जो है वो सेकेंड, हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इंडियन लीगल हिस्ट्री। बाई दिस चार्टर द कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ गवर्नर एंड काउंसिल एट हिज at its factories. In addition to other powers, the governors and council at his factories. अब यहाँ देखो ये जो चार्टर आया, ये किसके द्वारा ये चार्टर लाया गया, 1661 का, ये चार्ल्स द्वितीय जो थे उनके द्वारा ये चार्टर लाया गया। चार्ल्स द्वितीय कौन थे, तो भाई वहां के जो ब्रिटेन के ये क्या थे, शासक थे, उनके द्वारा एक चार्टर लाया गया 1661 का, और इसमें स्पेशल जो है सिग्निफिकेंस दिया गया लीगल हिस्ट्री में कि जो चार्टर्ड होगा, बाय दिस चार्टर्ड द कंपनी वाज, अब कंपनी एम्पावर्ड होगी, क्या एम्पावर्ड होगी, तो अपॉइंट करने किसको, तो एक गवर्नर को एंड काउंसिल ऑफ इट्स फैक्ट्रीज, मतलब एक गवर्नर रहेगा और उसके अंदर बहुत सारे काउंसिल्स के मेंबर्स होंगे जो गवर्नर के अंडर जो है वो रहेंगे, फैक्ट्रीज के ही वो काउंसिल्स रहेंगे। इन एडिशन टू अदर पावर्स द गवर्नर एंड काउंसिल एट इट्स फैक्ट्रीज। The charter authorized the governor and council of Englishmen. Council किसका था? वो था Englishmen का. Inhabiting the settlement of the company. The governor and council of each factory hear and decide all type of civil and criminal cases, including the case of capital offences, and it could award any kind of punishment, including that sentences. अब यहाँ देखो ये जो charter आया, इस charter में बोला गया कि जो कंपनी है उसमें एक गवर्नर अपॉइंट होंगे और उनके अंदर जो है वो काउंसिल के मेंबर्स अपॉइंट होंगे जो फैक्ट्रीज के ही होंगे, और ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे जजमेंट का, ठीक है, और ये काउंसिल में कौन लोग होंगे, ये सब इंग्लिशमैन ही भरे पड़े थे, और ये काम करेंगे, ये जो काउंसिल बनाई जा रही है एक गवर्नर के साथ, ये काउंसिल करेंगे जो भी फैक्ट्रीज में कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो इनको ये सुनेंगे और इनको ये रिजॉल्व करेंगे। मतलब जो पहले काम एक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ग्रुप करता था, मतलब डायरेक्टर और उनके मेंबर्स करते थे, ठीक है, अब इसके मतलब गवर्नर और 24 जो डायरेक्टर थे वो काम करते थे दोनों, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कम से कम अब एक विंग बना दी गई 1661 के चार्टर के द्वारा चार्ल्स द्वितीय ने जो लाया था कि एक जस्टिस सिस्टम सिक्योर करने के लिए एक गवर्नर साथ में काउंसिल्स ऑफ फैक्ट्रीज जो इंग्लिश मैन ही थे उनको उनका एक विंग बनाया गया, और उनको क्या बोला गया कि देखो भैया जो भी फैक्ट्री में कोई भी मामले ऐसे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई विवाद होगा, तो आपको उनको सुनना है और डिसाइड करना है, और वो किसी भी तरह के केसेस होंगे जैसे कि सिविल और क्रिमिनल केसेस, और इंक्लूडेड कोई भी अगर ऐसे केसेस हैं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सजा हो सकती है, उन सारे केसेस को आपको सुनना है और उसमें आपको पनिशमेंट देना है, और वो पनिशमेंट आप डेथ सेंटेंस तक यानी मृत्यु की जो है सजा तक आप दे सकते हैं, ठीक है। दस द चार्टर ऑफ 1661 ऑथराइज्ड द कंपनी टू ट्राई एंड पनिश ऑल पर्संस लिविंग अंडर इट इंक्लूडिंग द इंडियंस। पहला क्या कह रहा है, ये पूरा जो 1661 का जो चार्टर था उसमें ये इसका क्रक्स ये निकलता है कि जो भी कंपनी थी, कंपनी के जो मेंबर्स थे, जो से मैंने बताया गवर्नर और उनके काउंसिल्स, वो कंपनी के हर मामले को ट्राई करेंगे, और अगर कोई इसमें कन्विक्ट पाया जाता है, कोई अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो उनको पनिश करेगा, और वो पनिशमेंट दोनों के लिए होगा, ठीक है, चाहे वो इंग्लिशमैन हो चाहे वो इंडियंस हो, वो दोनों के लिए जो है वो पनिशमेंट होगा। दूसरा क्या कह रहा है, ओपन द डोर्स फॉर द इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया। और ये जो चार्टर था 1661 का, ये
इंडिया में डोर खोल दिया, दरवाजे या द्वार खोल दिया किसका, तो इंग्लिश लॉ के आने का दरवाजा जो है इंडिया में खोल दिया, मतलब कि द्वार जो है खुल गया इंडिया में किसके रूल के आने का, किसके लॉ के आने का, तो इंग्लिश लॉ का जो आने का द्वार है वो अब इंडिया में 1664 के एक्ट के द्वारा, 1664 जो एक्ट है 1661 एक्ट के द्वारा वो खुल गया। तीसरा जो है क्या कह रहा है, कन्फर्ड जुडिशियल पावर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव वेयर द गवर्नर एंड काउंसिल, और जो जुडिशियल पावर है, जो जुडिशियल पावर है वो किसको दे दी गई, तो गवर्नर और उनके काउंसिल को दे दी गई। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट के बाद जो चार्टर था 1661 का ये आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि सूरत में जो है वो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है वो कहाँ एस्टैब्लिश करी गई थी, सर्वप्रथम तो सूरत में जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी। अब सूरत में जब एस्टैब्लिश की गई तो वहां पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन इन जस्टिस सूरत में कैसा था, क्योंकि जहाँ पे कंपनी एस्टैब्लिश होगी कोई भी चीज तो उससे कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे विवाद होंगे, कंपनी के साथ किसी व्यक्ति का विवाद होगा या किसी व्यक्ति के साथ कंपनी का विवाद होगा या फिर इंटरनल मामला ही व्यक्ति का होगा कंपनी के अंदर, तो उसको कैसे रिजॉल्व कराया जाए या उसमें कैसे जुडिशियल सिस्टम जो है वो इवॉल्व कराया जाए, ये जो है इस हम हेडिंग में पढ़ेंगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत, ठीक है। एक मिनट, अब ये चीज हम देख लेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सूरत में हुआ करता था। चलिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन सूरत 1612 में। तो आप जानते हो जैसा मैंने बताया कि पहली जो अपनी फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सूरत में एस्टैब्लिश हुई सन 1612 में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, और उस समय किसका शासक था, तो किसका शासन था उस समय, कौन शासक था यहाँ का, तो जहांगीर जो मुगल एम्परर का शासक था। इन 1615 द मुगल एम्परर ऑन द प्लीडिंग ऑफ सर थॉमस रो इशूड अ फरमान। अब देखो थॉमस रो के द्वारा जो है वो फरमान ले लिया गया जहांगीर से। अब थॉमस जो रो था उसको जो है वो भाषा आती थी, ठीक है ना, मतलब वो इंटरेस्ट रखता था किसमें, तो मुगल्स में इंटरेस्ट रखता था और उनको जो है वो लैंग्वेज आती थी, ठीक है ना, उनकी जो जहांगीर द्वारा बोली जाती थी, ठीक है, वेदर हिंदू हो या फिर सॉरी उर्दू हो या फिर अरेबियन हो, ठीक है, ये भाषा जो है वो थॉमस रो को आती थी और वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए, कौन, जहांगीर, और उन्होंने एक फरमान जो है वो फरमान मतलब कि जो इशू कर दिया, ऑर्डर इशू कर देना या अलाउ कर देना, ठीक है, उन्होंने एक फरमान दे दिया। फरमान कैसा दिया, तो द मुगल एम्परर अलाउड, देखो द फरमान दे करके अलाउड कर दिया किसको, इंग्लिश मैन को, टू लीव अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन एंड लॉ एंड टू सेटल डिस्प्यूट अमोंग देमसेल्फ बाय देयर प्रेसिडेंट, हाउएवर द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंग्लिश मैन एंड द इंडियन वर टू बी डिसाइडेड बाय द लोकल इंडियन कोर्ट। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, देखो आप इंडिया में आए हो, जहांगीर ने बोला देखो भाई ठीक है आप इंडिया में आए हो व्यापार करने, आप अपना काम करो, अगर आपके यहाँ आप जो भी धर्म मानना चाहते हो आप मानो, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, और आपका जो भी अपना सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम आप अपनाओ, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है, आपके इंग्लिश मैन है, आप उनको जैसा भी जस्टिस जो है वो देना चाहते हो, जिस भी तरह का अपने यहाँ का तुम दे दो, लेकिन जो इंडियंस होंगे, हमारे यहाँ के लोग होंगे, वो इंडिया के ही जो जस्टिस सिस्टम होगा जो मुगल इरा में उस समय चल रहा था, मुगल पीरियड में, उसी सिस्टम से वो गवर्न होंगी। ये किसने बात कही, ये बात कही जहांगीर जी ने। अब यहाँ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो गई, फरमान भी मिल गया जहांगीर के द्वारा, अब कैसे जो है कंपनी फंक्शन करेगी, काम करेगी, वो देखते हैं। द फैक्ट्री वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल who were appointed by the company। अब यहाँ देखो फैक्ट्री किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जा रही थी, किसका प्रशासन चल रहा था, तो प्रेसिडेंट का।
एंड काउंसिल, प्रेसिडेंट थे और उनके काउंसिल्स थे जो अपॉइंट किए गए थे किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, उनके द्वारा सारा प्रशासन वगैरह का काम जो है वो देखा जा रहा था। द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर द डिसीजंस ऑफ द कंपनी, क्या कह रहा है, जो भी डिसीजन लिए जाते थे कंपनी के वो काउंसिल के जो मेंबर्स थे, ठीक है, उनके उनके में कितनी मेजोरिटी आ रही है। मान लो 10 काउंसिल के मेंबर्स हैं, उसमें से को किसी बात पे किसी ने 7 काउंसिल मेंबर ने अपना फैसला दे दिया, यानी पक्ष में हो गए और 3 विपक्ष में हो गए, तो जो मेजोरिटी जजमेंट आता था यानी 7 वाले जो लोग होते थे उनकी बात जो है वो मानी जाती थी। अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स ऑफ द ट्रेडिंग पर्पसेस, द प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑल्सो हैड द पावर टू एडमिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस। अब यहां देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे या प्रेसिडेंट और या उनके जो काउंसिल्स होते थे उनके उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम नहीं था, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही नहीं देखते थे, बल्कि कंपनी में जो भी जस्टिस से रिलेटेड सिस्टम था, ठीक है, जो भी न्याय प्रणाली थी वो भी इन्हीं के द्वारा देखी जाती थी। इंग्लिश पीपल वर गवर्न बाय ड्यूअल सिस्टम ऑफ लॉ, नेमली, अब इंग्लिश पीपल जो थे यानी कि अंग्रेज जो लोग थे वो दो सिस्टम, जो दो तरह की सिस्टम थी लॉ की, उनके द्वारा ये गवर्न किए जाते थे। पहला जो सिस्टम था वो कौन सा था भाई, देख लेते हैं। पहला जो सिस्टम था, इन देयर ओन मैटर्स बाय द इंग्लिश ऑफ इन देयर ओन मैटर्स बाई द लॉज ऑफ इंग्लैंड, मतलब अपने खुद का मैटर है, अगर उनका उनके देश का मैटर है, उनका अपना मैटर है, जो भी है वो अपने लॉ के द्वारा देखे जाते थे, इंग्लैंड के लॉ के द्वारा उनको गवर्न किया जाता था। और दूसरा, इन द मैटर विद द इंडियंस बाय द नेटिव लॉज ऑफ देयर ऑफ दिस कंट्रीज, और मान लो कि कोई ऐसा लॉ है, सॉरी वो इंडिया में आए हैं इंग्लिशमैन, और मान लो कि इंडियंस से कुछ विवाद हो गया, तो वो किसके द्वारा, अगर इंडिया के साथ उनका कोई विवाद हो गया है तो वो इंडिया इंडिया के लॉ के द्वारा जो है वो गवर्न किए जाते थे, उनके द्वारा उनको जजमेंट जो है वो सुनाया जाता था, इंडियन जजमेंट या इंडियन जस्ट जो प्रणाली थी उसके द्वारा। तो इंग्लिशमैन दो, एक तो अपने ही लॉ ऑफ इंग्लैंड के द्वारा और दूसरा इंडियंस के जो नेटिव लॉज थे वो इस कंट्री के उस लॉ के द्वारा इनको गवर्न किया जाता था, ठीक है। तो यहां तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ क्या कह रहा है, द सूरत सेटलमेंट ऑफ कंपनी रिमेंड इन द प्रोमिनेंस अंटिल 1617 ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द सीट एंड प्रेसिडेंट एंड काउंसिल टू द बॉम्बे हिल। इन दैट ईयर सूरत लॉस्ट ऑल इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। अब कह रहा है जो एक सूरत सेटलमेंट जो है ऑफ द कंपनी रिमेन्ड द प्रोमिनेंस अंटिल, अब कब तक ये राज करती रही, ये जो सूरत सेटलमेंट ऑफ कंपनी थी 1617 तक। अब ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द सीट ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल टू द बॉम्बे इन दैट ईयर सूरत लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। अब यहाँ पे देखो, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे इस कंपनी में और इनके जो काउंसिल अपॉइंट किए गए थे, इन दोनों को उठा करके 1617 के बाद कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया गया। और उसके बाद जो सूरत में कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था या जस्टिस सिस्टम था वो क्या हो गया, बेकार होते चला गया। ये हम बात कर लिए कब तक की, एक तो इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, एक चार्टर देख लिया 1661 का, और दूसरा हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था सूरत में आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कंपनी, सॉरी फर्स्ट जो हाँ कंपनी ही है सूरत में 1616 में, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग ने आज तीन चीजें अपनी कवर की है। जो चौथा हमारा पॉइंट होगा वो होगा सेटलमेंट इन मद्रास बिफोर 1726। ये जो सिलेबस है आपका जो कवर किया जा रहा है, ये BA LLB थर्ड सेमेस्टर में लीगल हिस्ट्री जो पेपर है उसका ये सिलेबस था। आप सिलेबस से अगर अवेयर नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही जा करके आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, और इवन टारगेट गुरुकुल ऐप पर भी जा करके आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। अगर इसी तरह आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं और चीज़ों को थरली जो है समझ करके पढ़ना चाहते हैं, साथ में बहुत सारी PPTs और PYQs और भी मेंटरशिप आप लेना चाहते हैं, तो हमारा बैच है, वो बैच है सारथी बैच। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज आपको दिख रही है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी।
और आपका सेमेस्टर का जो भी पेपर है वो समय से एग्जाम के पहले आपको कवर करवा दिया जाएगा। PYQ और कुछ मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे जिससे आप अपने सेमेस्टर की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।